हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेश कुकिंग। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बिहारी स्टाइल खाजा की रेसिपी। ये हम बनाए हैं यहाँ पे मिनी वाले खाजा, छोटे छोटे से। आप चाहें तो इनको बड़े बड़े बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इस तरीके से बनाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट एंड क्रिस्पी भी हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी मैदा। अब इसको हम छन्नी में डाल के इस तरीके से छान लेते हैं। मैदा छान लिया तो इसमें हमने ले लिए 2 चम्मच भर के दूध की मलाई और साथ में थोड़ा सा 1 चम्मच घी ऐड किया। आप इस मलाई डाल के इस तरीके से बनाइए, खाजा की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही क्रिस्पी एंड सॉफ्ट भी रहते हैं अंदर से बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे बन के इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये सब मिक्स करने के बाद में हमने पानी लिया, पानी नॉर्मल है, सादा बिल्कुल, ना ठंडा है ना गर्म है। इस तरीके से आटे को लगा के रख दिया है। डो हमारा तैयार हो चुका है डो, तो इसको हम रख देते हैं ढक के, देखते हैं चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पे चीनी ले लिए 1 कटोरी। चीनी हमने थोड़ी ली है क्योंकि मेरी चाशनी रखी हुई थी, तो इसलिए उसको भी यूज करें। अगर 1 कटोरी इसके लिए बना रहे हैं मैदे से तो 1 कटोरी चीनी भर के लेनी चाहिए, तो उससे जो है चाशनी इससे बराबर बनेगी। अब इधर हमने जो खाजा का आटा लग चुका है उसके हम सेप बना लेते हैं, काट के पीस बना लेते हैं। इस तरीके से 1 रोटी ले ली, रोटी के बराबर आटा ले लिया हमने, इसको बेल लेते हैं। इसको पतला बेलेंगे बिल्कुल, बारीक बारीक बढ़िया से बेल के तैयार करते हैं। इस तरीके से देखिए रोटी हमारी बेल चुकी है, इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, पतला बेलेंगे तो अच्छे से फूलेंगे अंदर तक और फिर उसमें चटनी में भी अच्छे से डूब जाएंगे। अब इस पर हम घी अप्लाई कर देते हैं, निकाल के रखा था थोड़ा सा। जो घी इस तरीके से लगाएंगे तो इसकी जो परतें हैं वो अच्छे से खुलेंगी बिल्कुल पकाने पे। अब थोड़ा सा इस पर हम सूखा सा मैदा इस पर छिड़क देते हैं इससे। इस तरीके से बनाए खाजा बनाइए, या नमकीन बनाए या स्वीट मीठा वाला बनाए तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। आप लोग एक बार मेरे कहने से इस तरीके से बना के देखिए, इस तरीके से बना लीजिए। जैसे भी आपकी इच्छा हो सेप, आप हिसाब से अपने हिसाब से बना सकते हैं, फोल्ड करके तो स्क्वायर में या पहले तो हमने इस तरीके से बना के देखे बनाए थे, फिर हमने छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया उनको बाद में, तो फिर छोटे वाले बना लिए। उनको बनाना बहुत आसान है, उसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। बस आटा लगा के इस तरीके से बेल लीजिए और फिर इसको अंदर घी लगा के रोटी पे थोड़ा सा, फिर इसको इसके इस तरीके से फोल्ड करते हुए फिर काट के रख लें तो बन के तैयार हो जाएंगे अच्छे से। ये इस तरीके से जितनी परतें बनेंगी वो इसी तरीके से बिल्कुल फूलेंगी तेल में डालने पे, और फिर इनकी एक एक परत बिल्कुल खुल के अच्छे से इसमें चाशनी में भी अच्छे से भीगेंगे। अब सारे हमने खाजा बना के रख लिए थे, तो अब इनको हम क्या करें, फ्राई कर लेते हैं। इनको जो फ्राई करना है लो मीडियम गैस पे फ्राई करना है, तेज गैस पे नहीं फ्राई करना, नहीं तो जल जाएंगे और अंदर तक पकेंगे नहीं। तो इस तरीके से स्लो रख के गैस और धीमी आंच में पकाना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, और चलाते हुए हल्के हल्के हाथों से, और बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और देखिए इतने अच्छे से फूल गए हैं बिल्कुल। त्योहारों का सीजन है तो बनाइए, वैसे भी आप इनको बना के जब भी मीठा खाने का मन हो, घर में कोई चीज़ ना हो, अगर मैदा है तो मैदे से बना लेना, हो तो आटा हो तो आटे से भी बन जाएंगे बहुत अच्छे से। तो इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है और मिठाई भी तैयार हो जाती है बनके। ये बेसिक सी चीज़ें जो घर में सभी के होती हैं, इस तरीके से बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बना के आप लोग इंजॉय करिए, और वीडियो हमारा कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना सभी लोग। अब खाजा मेरे बिल्कुल फ्राई हो चुके थे तो उनको निकाल लिया। अब इधर चाशनी भी मैंने पहले रेडी करके रख ली थी, तो अब इसको थोड़ा सा गर्म किया। एक तार की चाशनी रहेगी, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं रहेगी। अब इसमें डाल के एक से डेढ़ मिनट के लिए इनको भी पका लेते हैं। इसमें बस चाशनी अंदर तक बिल्कुल घुल जाएगी। अब बन के रेडी हो चुके हैं, देखिए। कभी भी आप उनको बना के खा सकते हैं। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।